हमें एक इंसेक्ट दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है बिटवीन बॉल एंड द इंसेक्ट, और रेडियस इस बॉल का दे रखा है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो पहुंच सकता है बिफोर स्लिपिंग डाउन। तो अगर ये सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है बॉल का, तो मान लेते हैं कि वो किसी इस हाइट तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, ठीक है, इधर कहीं पहुंच सकता है मैक्सिमम। तो ये रेडियस आर है। इसके बाद वर्टिकल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है ये वाला। तो ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी r cos थीटा के इक्वल, और क्योंकि ये टोटल लेंथ रेडियस के इक्वल होगी ये वाली, सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। तो यही हाइट होगी जिस पे इंसेक्ट पहुंच सकता है। तो दिस हाइट इज इक्वल टू r, फॉर्मूला ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। आर हमें पता है, इस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका होगा इंसेक्ट, वो इस हाइट पे पहुंच के उसको जो फोर्स फॉल डाउन नहीं करने दे रही वो फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे इसका अगर वेट mg लग रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा। सो इस तरफ लग रहा होगी एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ फोर्स लग रही होगी उसे एम जी साइन थीटा, साथ ही में एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो फोर्स इसको एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रही होगी सच दैट कि ये उस पॉइंट पे फॉल डाउन ना करे, वो लग रही होगी फ्रिक्शन। तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, फ्रिक्शन को बैलेंस आउट कर रही होगी एम जी साइन थीटा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, mg से mg कट जाएगा, so tan theta will be equal to mu। हमें cos theta की वैल्यू चाहिए, तो अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं इसमें ये एंगल थीटा है, सो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan theta, tan theta हमें गिवन है mu अपॉन 1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लेंथ हो जाएगी 1 प्लस mu स्क्वायर, so cos theta will be equal to 1 upon 2 plus mu square। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, इसको यहां पुट करते हैं, तो h बन जाएगा r 1 minus the root 1 minus mu square। तो अगर देखा जाए तो b ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।